नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल सके। चैनल पर नए हो या पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, सभी पर शेयर जरूर कीजिए। हमारा सहयोग जरूर कीजिए क्योंकि आपके सहयोग से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी अपडेट मिल जाए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेशन एनकरेज का काम करता है, तो हमें एनकरेज जरूर कीजिए। आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए जी, HSSC की तरफ से CET की 6 ब्रेकिंग अपडेट है। ग्रुप 56 पेपर कैंसिल, ग्रुप 56 पेपर नोटिस जारी और CM ने 95 मिनट यानी कि 1.5 घंटा लगाई HSSC और चेयरमैन की क्लास। करारी बेइज्जती, करकरी और विश्व क्या क्या जवाब है, पूरी अपडेट आपके साथ में शेयर करेंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ सके। आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए जी, कोई भी स्किप ना करें। तो यहाँ पर देख सकते हो परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, कानूनी विशेषज्ञों की राय के बाद ही यह तय किया जाएगा। क्योंकि ग्रुप सी की जो परीक्षा हुई थी रविवार और सोमवार को, उसमें 41 क्वेश्चन सोमवार की परीक्षा में हूबहू रविवार वाली परीक्षा के रिपीट हुए हैं। तो इसे उनको मद्देनज़र रखते हुए CM मनोहर लाल खट्टर जी ने आपातकालीन बैठक भी बुलाई। तो इसमें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन समेत अधिकारियों के साथ आपात बैठक की। बैठक में कानूनी विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया। अब परीक्षा करने या रद्द करने का मामला पूरी तरह से कानूनी विशेषज्ञों की सलाह पर टिका है। तो कानूनी राय लेने के बाद आयोग परीक्षा को लेकर अंतिम फैसला लेगा। यहां मुख्यमंत्री आवास पर करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने परीक्षा को लेकर तमाम पहलुओं पर चर्चा की। साथ ही 41 सवालों को दोहराने का कारण जानने के लिए कहा। साथ ही जो भी इसके लिए जिम्मेवार हैं उन पर कार्रवाई अमल में लाने के लिए निर्देश दिए हैं। तो इससे साफ है भी जो 19 और 20 अगस्त को 19 ग्रुपों की परीक्षा होनी है उसका भी शेड्यूल बिगड़ेगा। ठीक है जी। तो ये इसके अनिल विज गृह मंत्री जो है उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में भी ऐसे होता था, परीक्षाएं जो करेगा वही पास होगा। तो प्रदेश में परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हो रही हैं, लेकिन पूर्व CM मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो बात रहे हैं बता रहे हैं तो वह यह अपना अनुभव बता रहे हैं क्योंकि इनके राज्य में यही सब होता था। और उसके बाद आयोग ने जो एजेंसी के CMD को भी नोटिस थमाया है, जो एजेंसी से ये फॉर्म एग्जाम पेपर बनवाते हैं उनको, उनके MD को भी ये नोटिस थमाया भी। क्यों, किस वजह से सेम 41 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उसका 3 दिन के अंदर अंदर जवाब दिया जाए। तो यहाँ पर देख सकते हो पेपर सेट करने वाली एजेंसी को नोटिस, MD को सामने दी कॉपी। ठीक है। और 41 रविवार और सोमवार की आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट की परीक्षा में 41 सवालों के रिपीट होने पर आयोग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो क्योंकि ये मुख्य सुर्खियों में ये पूरी खबर चल रही है, तो इसके बाद आयोग ने पेपर सेट करने वाली एजेंसी के MD प्रबंधक को दो रोज पहले ही तलब किया था। MD बुधवार को आयोग मुख्यालय पहुंचा। इस दौरान आयोग की ओर से उन्हें कारण बताने का नोटिस भी थमाया गया भी क्यों 41 क्वेश्चन रिपीट हुए, क्योंकि ये बात सामने नहीं आनी थी। क्योंकि 90% वही कैंडिडेट 56 ग्रुप के, वही कैंडिडेट 57 ग्रुप के रिपीट हुए हैं, इसलिए 41 क्वेश्चन सेम रिपीट हुए हैं। तो इसका मामला बहुत संजीदा बन चुका है। तो इसमें HSSC के चेयरमैन गोपाल सिंह खत्री जी ने भी पेपर सेट करने वाली एजेंसी से 2-3 दिन के अंदर अंदर जवाब मांगा है। उसके बाद देख सकते हो पेपर लीक कांड में पर्दा डालने की साजिश, ग्रुप 57 की परीक्षा में 50 से ज़्यादा भाषा की गलतियां भी निकली हैं। जैसे कि जो झज्जर जिले का बाग है, जहां आरा बाग के स्थान पर जहां नारा बाग भी छपा है। तो जिसके मुताबिक आपको बता दें अभ्यर्थियों ने तो गलती करनी ही करनी है। तो इस कारण भी सुरजेवाला ने कहा है भी ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है। तो सभी CET के पास 3.5 लाख CET पास विद्या अभ्यर्थियों के साथ कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम खड़े हैं,
घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसमें सरकार हमें जवाब दे कि 56 और 57 ग्रुप के 41 सवाल कैसे रिपीट हुए हैं। मामले की जांच हाई कोर्ट की सिटिंग जज के से कराने की भी मांग की जा रही है। उम्मीद करते हैं ये अपडेट आपके लिए बहुत अच्छी रही, बहुत बड़ी रही है। इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। जैसी कोई और अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।